बीमारी में वो कम को कुछ हजार से लेकर करोड़ों वाले लाखों के दिल संवारे गए हैं, जिनकी अदायगी भोक्ताओं के लिए सरदर्द बन गई है। बिजली निगम के कंप्यूटरीकरण की कार्रवाई ने उपभोक्ताओं को समस्या में डाल दिया है। निगम के कंप्यूटरीकरण के नाम पर 4-5 माह तक उपभोक्ताओं के पास बिल नहीं भेजे गए, अब एकदम से बिल भेजे गए हैं, जिन्हें भरना उनके लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। उपभोक्ताओं का कहना है कि इन बिलों की अदायगी के लिए उन्हें ब्याज या फिर उधार पैसे लेकर बिल भरना पड़ रहा है। ये जी हमने तीखा बिल भरा था, जिसका हमने दोबारा उन्होंने जोड़ के नवम्बर में दोबारा भेज दिया 3,353 रुपये, वो कटवा के फिर हमने 3,700 रुपये भराया, वो काट के फिर आप फिर भेज दिया उसने 3,353 रुपये जोड़ के, अब कटवा के फिर दोबारा कर रहे हैं। पहले 2,000 रुपये आता था और 5 महीने में 91,000 रुपये आ गए, उससे पहले 400 रुपये मांगता था 6 महीने में, अब ये 1,00,000 रुपये आ गए। बिजली निगम का कहना है कि कंप्यूटरीकरण की वजह से 4-5 महीनों के बिल भेजे जा रहे हैं, लेकिन उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए कैश काउंटर खोले गए हैं और साथ ही किश्तों पर बिल की अदायगी की सुविधा भी दी गई है। सिस्टम को ऑनलाइन कर रहे हैं और ऑनलाइन सिस्टम होते हुए हमारे करीब 4-5 महीने का बिल, 3 महीने से 4-5 महीने का बिल होगा, उसमें जो भत्ता है उसको ये लग रहा है कि पहले मेरा जैसे 1 महीने का बिल आया है या 2 महीने का बिल आता है तो उसको दिखाई देता है, अभी इकट्ठा है। कई उपभोक्ताओं के बिल तो 10,000 से पार होकर 73 लाख तक पहुंच गए हैं। उन्होंने विभाग को शिकायत भी की है, बिल में कुछ सुधार किया गया, लेकिन अभी भी इन उपभोक्ताओं को असंतुष्टि है। पिछले महीने मैंने 73,47,000 रुपए का बिजली बोर्ड ने बिल भेज दिया, मैंने कभी अल्लाह उल्ला करके मेरा बिल को 1,50,000 रुपए भरवा के और बिल ठीक करने का आश्वासन दे के ये अगला बिल आपका ठीक हो जाएगा। मैंने इस बारे में शिकायत भी एसटीडीसी की, एक्शन से भी मिला, एससी से मिला, उन्होंने मेरा दोबारा मीटर बदल के नया मीटर भी लगा दिया, उसके लिए दिन वही हिसाब से 28,000 रुपया दिया, दिन भी मेरा बिल ठीक करके 5,90,000 रुपए का मेरा बिल दोबारा हो गया। विभागीय अधिकारी कह रहे हैं कि गलत बिलों को भी सही करने का काम चल रहा है, साथ ही आश्वासन भी दिया गया है कि किसी का बिल गलत नहीं भरा जाएगा। इस प्रकार का अगर कोई बिल गया है तो उसको तुरंत हम ठीक करते हैं, सारे दफ्तर के कर्मचारियों को सबको डायरेक्शन दी गई है कि फटाफट लोगों का तुरंत काम किया जाए, अगर कोई बिल गलत आया है तो तुरंत काम और कर रहे हैं, सबको वेलकम कर रहे हैं, ऑनलाइन भी कोई कंप्लेंट आता उसको भी डील कर। बहरहाल उपभोक्ता उधार लेकर बिजली बिलों की अदायगी कर रहे हैं, विभाग दावे तो बहुत कर रहा है, लेकिन उपभोक्ताओं की लंबी लाइन से तो यही जाहिर होता है कि उनकी समस्याओं को हल करने के लिए किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीटीसी न्यूज। और खबर मौसम के हवाले से, जहां पिछले साल